आखिर नितिन पटेल ने पार्टी हाईकमान को क्यों दिया अल्टीमेटम? क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे नितिन पटेल? गुजरात में भले ही बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन सरकार के गठन के साथ ही पार्टी में नया बवाल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मनमाफिक विभाग नहीं मिलने के चलते रूपाणी सरकार के डिप्टी सीएम नितिन पटेल बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक अहम मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज नितिन पटेल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने अब तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। बताया जा रहा है कि नाराज नितिन पटेल ने बाकायदा पार्टी हाईकमान को अल्टीमेटम तक दे दिया। सूत्रों के मुताबिक नितिन पटेल ने दो टूक कहा कि अगर उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया तो वो आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने के नाम पर इस्तीफा भी दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो अगले 2-3 दिनों तक पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी ऐसे ऑप्शन पर विचार कर रही है ताकि पटेल का सम्मान भी बना रहे और सीएम विजय रूपाणी की जिद को भी ठेस ना पहुंचे। दरअसल पिछली सरकार में नितिन पटेल के पास वित्त, शहरी विकास, उद्योग और राजस्व जैसे अहम मंत्रालय थे, लेकिन इस बार वित्त विभाग सौरभ पटेल को सौंप दिया गया है। इसके बाद से ही नितिन पटेल की नाराजगी देखने को मिल रही है। इससे पहले बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी नितिन पटेल देर से पहुंचे थे। हालांकि पटेल को मनाने खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गए थे, जिसके बाद वो 5 बजे शुरू होने वाली बैठक में रात 9 बजे आए। ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वो अपनी निजी गाड़ी से आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से पास नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ मोर्चा संभाला था। वो पास और हार्दिक के सीधे निशाने पर रहे थे। वे पाटीदार बहुल महेसाड़ा सीट बचाने में तो कामयाब रहे, पर उनकी जीत का अंतर पिछली बार से काफी कम हो गया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी हाईकमान पर उनके अल्टीमेटम का क्या असर होता है। इंडिया न्यूज़ वायलेंस की रिपोर्ट।